ये रिश्ता क्या कहलाता है कि अपकमिंग एपिसोड में अभीरा बहुत ज्यादा हार्ट ब्रोकन फील करेगी जब पूरा परिवार दादी सा की कंडीशन के लिए अभीरा को ब्लेम करेगा। उनकी हेल्थ के लिए वो पहुंचेगी मंदिर, जहां पर वो भगवान से सवाल करेगी कि हमेशा उसी के साथ ऐसा क्यों होता है, क्यों वही माँ नहीं बन सकती है। जिसके बाद वो दादी सा की गुड हेल्थ के लिए प्रे करती भी नजर आएगी और कोई उसे एक रिचुअल बताएगा करने के लिए। लेकिन वो रिचुअल करते करते अभीरा को बहुत ज्यादा वीकनेस फील होगी, उसे अपने स्टमक में पेन फील होगा। वो फिर भी पूरी की पूरी रस्म करेगी और दादी सा की गुड हेल्थ के लिए विश करती नजर आएगी, पर इतने में वो फेंट होने लगेगी। तभी वहां पर एक औरत आएगी जो अभीरा को संभालेगी, उसे पकड़कर उसकी नब्ज चेक करेंगी, जिसके बाद वो कहेगी कि अभीरा तो माँ बनने वाली है। अभीरा कहेगी कि उन्हें ऐसी बात नहीं बोलनी चाहिए, क्योंकि ये बात तो अभीरा का दिल और भी ज्यादा तोड़ रही है, पर वो कहेंगी कि उनका एक्सपीरियंस है जो वो कभी गलत नहीं होती है। अभीरा इमीडिएटली वापस हॉस्पिटल आएगी, जहाँ पर उसे गुड न्यूज मिलेगी कि दादी सा ठीक हो चुकी है, और फिर वो अपना चेकअप करवाने जाएगी और ये बात कंफर्म हो जाएगी दैट शी इज एक्चुअली प्रेग्नेंट। पर अभीरा की खुशी सिर्फ दो पल की होगी, क्योंकि उसे बताया जाएगा कि उसकी प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेटेड है। इतने में जब वो डॉक्टर के केबिन से बाहर निकलेगी तो वो अरमान को एक इंसान से लड़ता हुआ देखेगी, जिन्होंने माँ और बच्चे में से, यानी कि अपनी वाइफ और अपने बच्चे में से अपने बच्चे को चूज किया होगा। और अरमान को ये पसंद नहीं आएगा कि वो अपनी बीवी को ना चूज करके अपने बच्चे को चूज कर रहे हैं। अरमान उनसे कहेगा कि क्या वो जानते नहीं है कि एक बच्चे के लिए माँ कितनी इम्पोर्टेंट होती है। और अरमान की ये साइड देखकर अभीरा बहुत ज्यादा घबरा जाएगी, क्योंकि वो अरमान को नहीं बता पाएगी कि वो प्रेग्नेंट है, क्योंकि ऑब्वियसली अरमान अभीरा को ही चूज करेगा ओवर एनीथिंग एल्स, चाहे फिर वो पापा बनना कितना ही क्यों ना चाहता हो। वहीं अभीरा इमेजिन भी करेगी कि उसने अरमान को ये बात बता दी है और अरमान कितना खुश हो चुका है, और देखने को मिलेगा कि कैसे हॉस्पिटल के हर एक इंसान को रोक कर अरमान बताएगा कि वो पापा बनने वाला है। बट ये सिर्फ अभीरा का एक ड्रीम होगा, जबकि एक्चुअल में अरमान अभीरा को देखकर थोड़ा सा डाउटफुल होगा कि अभीरा थोड़ी परेशान नजर आ रही है। लेकिन अभीरा यहाँ पर बात टाल देगी और कहेगी कि वो खुश है कि दादी सा ठीक हो गई है, और अरमान को फॉर्मेलिटीज पूरा करने के लिए भेज देगी, और पीछे वो अकेली खड़ी होकर यही सोचेगी कि वो अब क्या करे।